आपको एक ऐसे निशानेबाज से रूबरू कराने वाले हैं जिनको हम सोने और चांदी वाले कह रहे हैं। जी हाँ, गौरी श्योरान नाम है इनका। देश की बेटी गौरी श्योरान ने एक बार फिर हरियाणा और देश दोनों का नाम रोशन किया है। 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय टीम को 2 पदक मिले हैं और दोनों पदक गौरी श्योरान की झोली में। हौसलों की उड़ान से तुमने ऐसा अफसाना लिखा, हैसियत की ऊंचाई को आंखें फाड़ के जमाने ने देखा। जी हाँ, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2019 के दरमियान काठमांडू में खेले जा रहे साउथ एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ी कुछ ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि दुनिया भर के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे निशानेबाजों के लिए बुधवार का दिन भी अच्छा रहा। 25 मीटर एयर पिस्टल में भारतीय टीम को 2 पदक मिले। इन 2 पदकों में हरियाणा के शूटर गौरी श्योरान ने एक अहम भूमिका निभाई। 25 मीटर एयर पिस्टल के एकल स्पर्धा में गौरी श्योरान ने सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि 25 मीटर एयर पिस्टल के टीम स्पर्धा में गौरी श्योरान ने गोल्ड पर कब्जा किया। गौरी श्योरान अब महज एक नाम नहीं रहा, अब ये नाम एक भरोसे में तब्दील हो चुका है। और ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे कि गौरी ने ये 2 मेडल जीत लिए, बल्कि उपलब्धियों की फेहरिस्त लंबी है। साउथ एशियन गेम्स 2019 में पदक अपने नाम करने के साथ ही गौरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 26 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। गौरी श्योरान के खाते में 10 गोल्ड, 8 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। साउथ एशियन गेम्स गौरी का 34वां इंटरनेशनल चैंपियनशिप है। कुल मिलाकर गौरी के खाते में 102 पदक हैं। कहते हैं जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं, लेकिन जब बदलाव एक बेटी लाए और अपने माँ बाप के साथ साथ अपने देश का परचम पूरी दुनिया में लहराए तो एक बाप का सीना 56 इंच का हो जाता है। गौरी श्योरान के हर कदम पर उनका साथ देने वाले उनके पिता जगदीप श्योरान अपनी बेटी की सफलता पर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि गौरी से उन्हें इससे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और गौरी के अपने खेल के प्रति निष्ठा को देखकर उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा प्रदर्शन जारी रखेंगी और देश को पदक दिलाती रहेंगी। उम्मीद तो देश को ये भी है कि देश की ये बेटी आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन करती रहे, मेडल लाती रहे और तिरंगा लहराता रहे। स्पोर्ट्स डेस्क, जनता टीवी।